वहाँ जिंदगी की टीम देश के विभिन्न जैन मंदिरों के दर्शन करा रहा है। इसी क्रम में हमारी टीम पहुंची विश्व प्रसिद्ध शहर आगरा में। आगरा में हमारी टीम ने विश्व के 7वें अजूबों में से एक अजूबा ताजमहल को भी देखा। इसके बाद हमारी टीम पहुंची बेलनगंज स्थित कचौड़ा बाजार की पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में। वहाँ जिंदगी का यही प्रयास है कि घर बैठे हर शहरों के जैन मंदिरों का आप सबको दर्शन कराएं। और इसी क्रम में वहाँ जिंदगी की टीम पहुँच चुकी है आगरा। अभी मैं खड़ी हूँ कचौड़ा बाजार बेलनगंज जैन मंदिर के सामने, तो चलिए हम लोग दर्शन करते हैं। यहाँ पर भव्य रूप से एक जैन मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसमें कई तीर्थंकरों की प्रतिमा विराजित है। यहाँ पहुंचकर हमें काफी शांति का अनुभव हुआ। यह मंदिर काफी प्राचीन है। आगरा आने वाले लोग इस मंदिर का दर्शन अवश्य करते हैं। यहाँ पर विराजमान है जैन समाज के प्रमुख आचार्यों में से एक आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज, जिनका चातुर्मास यहाँ पर चल रहा है। हमारी टीम ने आचार्य श्री के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर खुद को धन्य समझा। माता जी, क्या आप आशीर्वाद देंगी इन 4 महीने में आगरा की जनता को, साथ ही साथ पूरे देश के जैन को आज इस चातुर्मास के दौरान? संतों का चतुर्मास, श्रावक को, भोले भटके प्राणी को दिशा और दशा बदलने के लिए होता है। जब तक संत समागम नहीं मिलेगा, तब तक व्यक्ति अपनी भूल को महसूस नहीं करेगा। एक संत ही ऐसे होते हैं जो श्रावक की गलतियों को, श्रावक की त्रुटियों को, श्रावक की कमियों को निस्वार्थतापूर्ण, किसी भी प्रकार के प्रलोभन के बिना ही उनको बता देते हैं। गुरुदेव, आपका मंगल चातुर्मास आगरा में, बहुत बड़ी बात। आगरा के समाज को शायद उनके जीवन संवरने का उनका वक्त आ गया है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पावन वर्षा योग में आगरा दिगंबर जैन समाज ही नहीं, पूर्ण जैन समाज भारतवर्ष से जो भी आएंगी उनके साथ, तो मेरा एक ही संदेश है कि साधु के चतुर्मास के साथ साथ अपना भी चतुर्मास धारण करें और संयम और साधना के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। अगर आपने अभी तक बेलनगंज स्थित कचौड़ा बाजार मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं और चैत्य सागर जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया है, तो आज ही कचौड़ा बाजार आइए और इस भव्य मंदिर के दर्शन कर और चैत्य सागर जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर अपनी जिंदगी को बनाइए वहाँ जिंदगी।